मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आज हम गोभी आलू गाजर मटर की मिक्स सब्जी बना रहे हैं। चूल्हा जल रहा है, अब हम कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सरसों का तेल डाल देते हैं, थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, एक दो सूखी लाल मिर्च, थोड़ी कटी प्याज, कटा बारीक अदरक, अब इसे थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च अपने हिसाब से डाल लेना है, आजकल तीखी मिर्च नहीं आ रही है। अब आधा कटोरी ताजी मटर के दाने डाल देते हैं, अब इन्हें भी अच्छे से भून लेते हैं। मटर भी अच्छे से भून गई है, एक कटा टमाटर डाल देते हैं, थोड़ा हींग डाल देते हैं, हींग हमने शुरू में नहीं डाला था, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी थोड़ी और डाल देते हैं, थोड़ा पीसा धनिया और मेथी सौ, थोड़ी बारीक लाल मिर्च, अब कटी हुई सभी मिक्स सब्जियों को डाल देते हैं। इसमें आधा किलो गोभी है, 300 ग्राम गाजर है और 400 ग्राम आलू हैं। अब इन्हें भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। सभी सब्जियां अच्छे से भून गई हैं। अब इनमें थोड़ा सा पानी डालकर धीमी आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। आप भी इस तरह की सब्जी अपने घर पर बनाना और खाके अपना अनुभव प्रियंका नॉलेज बैंक पर जरूर शेयर करना, प्लीज भूलना नहीं। अब कुछ देर के लिए ढक देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जियों को चेक करके देख लेते हैं। मिक्स सब्जी हमारी अच्छे से गल गई है, अच्छे से पक गई है। अब थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल देते हैं, इससे सब्जी का स्वाद और बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, मिक्स सब्जी बनकर तैयार है। मिक्स सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है।